सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को देवरिया कुशीनगर जिले को 4 राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी। उन्होंने मंच पर मौजूद प्रदेश के डिप्टी सीएम को इन सभी राजमार्गों के लिए जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण व डीपीआर का काम पूरा करने को कहा। केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित शिलान्यास समारोह में मौजूद थे। उन्होंने यहां NH 727A पर प्रस्तावित देवरिया बाईपास व कुशीनगर जिले में NH 734 के कप्तान गनज पड़ग्राना में 2 लेन 4 लेन पेव शोल्डर सहित सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। इन दोनों कार्यों पर 875 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री गडकरी ने सोनौ अली गोरखपुर देवरिया सलेमपुर बलिया देवरिया कस्या महुआनी सोनू घाट व रहज देवरिया कस्या व तमकुही बेतिया को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जितना जल्दी भूमि उपलब्ध करा वडी पीआर बनवा देंगी उतना जल्दी इन मार्गों पर काम शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवरिया लोकसभा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए विभिन्न सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जा रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के समय 7643 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था। 3.5 वर्षों के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग को 13,500 किलोमीटर कर दुगुना करने की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। आने वाले समय में 2000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अगर जल्दी भूमि उपलब्ध करा देगी तो केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने के पहले इस पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में 8 लाख करोड़ रुपए का काम मेरे मंत्रालय ने किया है। अभी तक सेंट्रल रोड फंड से उत्तर प्रदेश को 2-3 हजार करोड़ रुपए मिला करते थे, लेकिन हमने प्रदेश को इस फंड से 10 हजार करोड़ रुपए दिया है। अगर प्रदेश सरकार को जरूरत महसूस हुई तो भविष्य में 2000 करोड़ रुपए और उपलब्ध करा सकते हैं। शिलान्यास समारोह को पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, कुशीनगर के सांसद राजेश पांडे, सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा और राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने भी संबोधित किया। एथनॉल बदल सकता है पूर्वांचल के किसानों की तकदीर। केंद्रीय मंत्री ने कृषि क्षेत्र परिवहन में तकनीकी बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि केवल गेहूं और चावल की खेती से किसानों का भविष्य व तकदीर नहीं बदली जा सकती है। इसके लिए किसानों को पेट्रोल डीजल CNG तैयार करना पड़ेगा। यह काम इथेनॉल बनाकर किया जा सकता है। महाराष्ट्र में एथनॉल बनता है। नागपुर में 55 बसें एथनॉल से चलती हैं। गन्ने की खोई, धान के पुआल, कचरे व बांस से एथनॉल बनता है। पूर्वांचल में एथनॉल की बहुत संभावना है। इस तकनीक को अपनाकर किसान अपनी तकदीर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि देश 70,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है। अगर एथनॉल बनाकर हम इस आयात को 2,000 करोड़ रुपए ही कम कर पाए तो यह पैसा किसानों में जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं सपने नहीं दिखा रहा हूँ। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को इस तकनीक को देखने के लिए नागपुर आमंत्रित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से बायो एथनॉल से कार बाइक चलाने की नीति को अपनाने की अपील की। प्रदेश के विकास को नहीं रोक सकती है कोई बाधा। केशव सभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश को सड़कों का स्वर्ग बनाने का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। प्रदेश की सरकार उन सभी बाधाओं को दूर कर रही है। प्रदेश के विकास को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती है। सरकार प्रदेश को उत्तम सड़कों का प्रदेश बनाना चाहती है। इसमें केंद्र की सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है।